नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। शाहजहांपुर में पीलीभीत जाने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। विद्युतीकरण करने के बाद 4 साल बाद शाहजहांपुर में पीलीभीत के लिए पहली ट्रेन रवाना की गई। स्टेशन अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों से भरी ट्रेन को पीलीभीत के लिए रवाना किया। आपको बता दें कि 4 साल बाद शाहजहांपुर से पीलीभीत रेल पथ के लिए इतिहास बन गया है। बड़ी रेल लाइन पड़ने के साथ विद्युतीकरण होने के बाद पहली यात्री ट्रेन को पीलीभीत के लिए रवाना किया गया। ये ट्रेन सवारियों को 2 घंटे 35 मिनट में पीलीभीत पहुँचाएगी। 4 साल बाद ट्रेन संचालन को लेकर यात्रियों में ही नहीं रेल कर्मियों में भी जबरदस्त उत्साह है। शाहजहांपुर स्टेशन अधीक्षक पीएस तोमर ने बताया कि ब्रॉडगेज के लिए शाहजहांपुर पीलीभीत रेल पथ पर 30 मई 2018 को रेल संचालन बंद किया गया था। अगस्त 2021 में विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया था। आज 2 जुलाई 2022 से ट्रेन संचालन शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि कासगंज से शुक्रवार को ही 2 ट्रेनों के लिए बड़ा रैक पीलीभीत को मुहैया करा दिया गया था, जहाँ से चेकिंग के बाद ट्रेन को शाहजहांपुर भेज दिया गया। जीबीएन 24 न्यूज़ के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। दिनों से जो है यहाँ की पब्लिक इसके लिए जो है इंतज़ार कर रही थी। आज बहुत दिनों बाद इन लोगों की ये एक समस्या का निदान हुआ और सुविधा शुरू हो गई है। शाहजहांपुर से पीलीभीत के लिए कितनी जोड़ी ट्रेनों को चलाया जा रहा है? अभी 2 जोड़ी ट्रेनों को चलाया जा रहा है। ऐसा एक बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि भारत सरकार ने तो उपहार दिया है, तोहफा दिया है, लेकिन रेलवे के जो अधिकारी हैं या फिर जो ट्रेन का जिस तरीके से वेलकम वगैरह होना चाहिए नहीं हुआ, बड़ी उदासीनता देखने को मिली है। ये NER की ट्रेन है, उनकी तरफ से शुरुआत हो रही है, उनकी गाड़ी उधर से आ रही है, वो अपना उधर से इसके जो है क्या AC की सुविधा मिलेगी? AC की सुविधा भी आगे बात चल रही है, उसकी भी मिलेगी।